फ्रेंड्स, आज हम लोग मैसूर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि मैसूर साम्राज्य का कैसे उदय हुआ, कैसे आगमन हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो मैसूर साम्राज्य है, 1565 ईस्वी में तलिकुट्टा का युद्ध होता है, जिसे हम लोग तलिकुट्टा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें लास्ट रूलर जो थे वो बिक्की कृष्णा राज द्वितीय थे। इनका शासन जब ख़त्म हो गया, उसके बाद हमारे मैसूर साम्राज्य पे हैदर अली का शासन शुरू हुआ। हैदर अली ने 1761 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक के जीवन काल था इनका। इन्होंने सबसे पहले सोल्जर के रूप में मैसूर एस्टेट के सोल्जर के रूप में अपना सर्विस का क्या क्या शुरुआत किया। हैदर अली ने सबसे पहले अपने सर्विस का शुरुआत जो किया, वो मैसूर एस्टेट के क्या थे, सोल्जर के रूप में किया था। उसके बाद वो फौजीदार बने, डेंडीगुल के फौजीदार बने, फिर उन्होंने ने मैसूर में आर्म्स फैक्ट्री की स्थापना कराई। मैसूर में क्या कराई, आर्म्स फैक्ट्री की स्थापना कराई। हैदर अली मराठों के साथ 64, 66 और 71 तीन लड़ाई लड़ते हैं, एक 64 में, एक 66 में, एक 71 में, और तीनों लड़ाई में हैदर अली मराठों के द्वारा पराजित हो जाते हैं। अब मराठों द्वारा पराजित होने के बाद हैदर अली की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, और फिर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार का शुरुआत होता है अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में, जो 1766 से 69 तक के बीच चलता है, जिसमें हैदर अली डिफीट द ब्रिटिश ब्रिटिश को इस युद्ध में ब्रिटिश को हरा देते हैं, और ट्रीटी ऑफ द मद्रास साइन होता है। इसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास का क्या होता है, साइन होता है। इसमें क्या होता है, हमारा ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास की संधि होती है, मद्रास की क्या होती है, संधि होती है, ठीक है। उसके बाद फिर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हो गया 1766 से 69 तक। इसके बाद फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होता है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में क्या क्या, हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश, ब्रिटिश को हरा देते हैं और ट्रीटी ऑफ मद्रास हो जाता है। उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का ये चला था 80 से 84 तक, 80 से 84 तक, और इसी वार में हमारे जो हैदर अली थे वो मर जाते हैं। वारन हेस्टिंग अटैक द फ्रेंच पोर्ट माहे विच वाज इन हैदर अली टेरेटरी, माहे जो फ्रेंच पोर्ट था वो हैदर अली के टेरेटरी में था। इस पे उसने क्या क्या, वारेन हेस्टिंग ने क्या क्या आक्रमण कर दिया। फिर हैदर अली मराठा और निजाम निजाम मिलके इंग्लिश से तो लड़ाई किए, लेकिन अंग्रेज़ तो बहुत सावधान थे, उन्होंने ने इन लोगों को अपने में मिला लिया। उसने मराठों के साथ ट्रीटी ऑफ सालबाई कर लिया और निजामों को भी अपने तरफ फोड़ लिया, और उन्होंने इस सब को फोड़ के और फिर युद्ध किया। हालांकि हैदर अली तो इसमें मारे गए, हैदर अली मर गए, मारे तो नहीं गए, मर गए 1782 ईस्वी में, डाइड हो गए। उसके बाद इस युद्ध को कंटिन्यू किया टीपू ने। टीपू 1782 में आया, लेकिन टीपू को उस टाइम उतना मतलब विकसित नहीं था, वो नया नया राज्य बना, राजा शासक बना, तो उसने मैंगलोर की ट्रीटी कर ली। पहला ट्रीटी मद्रास का हुआ, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो 66 से 69 के बीच हुआ था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 80 से 84 का बीच हुआ, जिसमें हैदर अली के डेड भी हो गए, मर भी गए, और मैंगलोर का ट्रीटी हो गया बिटवीन इंग्लिश एंड टीपू सुल्तान। उसके बाद टीपू सुल्तान का कार्यकाल चालू होता है जब हैदर अली मर जाते हैं 1782 से 99 तक। अब टीपू के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि टीपू जो है वो हमारा वो मतलब देश का देशद्रोही था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक अंग्रेज ने ही अपने इतिहास में लिखा था कि आप अगर किसी साम्राज्य में जा रहे हैं और वहाँ की खेती लहलहा रही है और वहाँ के सारे लोग खुश हैं, तो समझ जाइए कि वो टीपू का ही क्षेत्र है। तो इसका मतलब है टीपू ने अपने क्षेत्र में जो अच्छा काम किया है, इसका मतलब वो तो ऐसे नहीं हो सकता है। फिर हम लोग देखते हैं ऐसा क्या है। नोन एज द अरबिक, फारसी एंड तेलुगु लैंग्वेज वो जानता था, अरबी लैंग्वेज भी जानता था, फारसी भी जानता था, तेलुगु जानता था। 1791 ईस्वी में बैटल ऑफ मराठा हुआ, मराठा बैटल हुआ, उसने श्रीनगर का टेम्पल, श्री श्री सिंगी सिंगेरी टेम्पल जो कि ख़त्म हो गया था, विध्वंस हो गया था, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट कराया, और उसमें स्टैचू ऑफ शारदा देवी का स्टैचू क्या किया, लगवाया। शारदा देवी का क्या किया, स्टैचू लगवाया।
टीपू सुल्तान प्लांटेड ए ट्री ऑफ लिबर्टी एट द कैपिटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान ने ट्री ऑफ लिबर्टी बनाया अपनी राजधानी कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। उसने इम्बेसी यानी राजदूत का भी प्रचलन चालू किया। उन्होंने विदेशों में दूसरे दूसरे देशों में अपने राजदूत भेजता था। इम्बेसी का प्रचलन भी उसने क्या किया, स्टार्ट किया। 1796 ईस्वी में उसने मिलिट्री फाउंडेशन बनाया, मिलिट्री का फाउंडेशन बनाया। उसके बाद टीपू दो के दो सहायक थे पुनरिया राव और कृष्णा राव। तो ये सबसे आपको पता चल रहा है कि टीपू के कुछ शासक ही तो मालूम होते हैं, वो तो देशद्रोही मालूम नहीं होता। अब होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, मराठा और निजाम एक साथ रहते हैं और वो कैप्चर कर लेते हैं, बेंगलोर को कैप्चर कर लेते हैं। और थर्ड जब कैप्चर कर लेते हैं उसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होता है, जो कि 1792 ईस्वी में होता है, जिसमें टीपू को इस ट्रीटी के अनुसार अपने आधे राज्य को दे देना पड़ता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहला जो हमारा युद्ध हुआ था 1766 से कब 69 के बीच में, जिसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ। दूसरा 80 से 84 के बीच में हुआ, जिसमें ट्रीटी ऑफ मंगलोर हुआ। तीसरा 90 से 92 के बीच में हुआ, जिसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, लॉर्ड ब्लेसली अटैक द टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान पर लॉर्ड ब्लेसली क्या करता है, अटैक करता है और टीपू डाइड हो जाता है। जब डाइड ही हो गया तो कोई संधि नहीं हुआ एंड टीपू इज़ द वनली रूलर। टीपू ही एक रूलर था जिसने इम्पोर्टेंस अबाउट द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड मिलिट्री का फाउंडेशन जो है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और मिलिट्री दोनों के फाउंडेशन को अच्छी तरह जानने वाला एक योद्धा जो था वो टीपू ही था। तो इस तरह हम लोग मैसूर के बारे में, इस तरह मैसूर राज्य पर अंग्रेजों ने पूर्णतः कब्जा कर लिया और उसके बाद अंग्रेज पंजाब की ओर बढ़े। तो पंजाब में अंग्रेजों ने कैसे अपना शासन स्थापित किया